हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स और किचन हैक्स लेकर आई हूं, जो कि आपके काम को बहुत ही सरल बनाएंगे और आपका पैसा भी बचाएंगे। भाई जब काम हमारा इतना सरलता से निपट जाएगा तो पैसे तो जाहिर है बचेंगे, और ये इतने इंटरेस्टिंग किचन टिप्स हैं कि आप बहुत आराम से इनको करेंगे और आप पाएंगे कि ये टिप्स आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताए। तो चलिए मैं आपको अपनी ये टिप्स बताती हूँ जो कि मैंने भी किसी से सीखे हैं। ये टिप्स जो मैं बताने जा रही हूँ ये है बर्फ़ पर हारपिक डालना। तो ये हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी बहुत पहले, वो करती थी अक्सर, उनको देखती थी मैं करते हुए, तो वही मैं टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं, और आइस क्यूब डालने के बाद उनको मैंने गैस पर रख दिया और नीचे मैंने गैस ऑन कर दी है। उसके बाद उसमें डाला है मैंने हारपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि बताओ बर्फ़ पे भी कोई हारपिक डालता है, और वो भी गैस पर बर्फ़ रख के। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर बनकर तैयार होगा, जिससे आप अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ इससे सफाई भी कर सकते हैं। तो हारपिक डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, जिससे बर्फ़ जो है हमारी धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। तो देखिए इस तरह से ये बर्फ़ ही मेल्ट हो गई। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सामान और मिलाएंगे। तो मैंने इसमें डाला है एक चम्मच सर्फ, कोई भी सर्फ जो आप इस्तेमाल करती हैं वो सर्फ आप इसमें डाल सकती हैं। तो सर्फ डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। देखिए नीचे से गैस ऑन है तो ये उबल रहा है, उबल कर इसमें देखिए झाग भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू। आपको पता है कि नींबू बहुत सारे दाग धब्बों को साफ़ करता है, ये साइट्रिक एसिड होता है इसमें। तो नींबू जो है थोड़ा सा पुराना हो गया, तो पुराने नींबू में फेंकती नहीं हूँ, उसको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने आधा नींबू इसमें डाल दिया है, और डालने के बाद हम इसको चलाएँगे अच्छे से। तो चलाने के बाद देखिए इसमें जो है खोला आने लगा है, यानी ये उबलने लगा है, और उबलने के बाद बहुत अच्छा से एक मिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने घर के जो फर्श हैं, जो आपकी टाइल्स हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। तो मुझे इसमें नींबू थोड़ा सा कम लगा, आधा नींबू बचा हुआ था, तो मैं आधा नींबू इसमें और डाल दूँगी, जिससे ये और अच्छा मिक्सर बनकर तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने आधा नींबू इसमें और डाल दिया है, और देखिए ये खूब अच्छे से उबल गया है, और उबलने के बाद इसको हम ठंडा कर देंगे। अब मैंने इसमें हारपिक डाला तो घर में सब कहने लगे बताओ कोई हारपिक भी डालता है और उसको ऐसे उबालता है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हारपिक भी उबालते हैं। और देखिए कितना अच्छे से मिक्सर बनकर तैयार हो गया। इससे आप अपने घर में कोई भी गंदे फर्श हैं या गंदी टाइल्स हैं, किचन में बहुत सारी चीज़, बहुत सारे बॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत गंदे हो जाते हैं, उनको भी आप इससे साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया। तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा हो गया, एकदम ब्लू कलर का हो गया है। वैसे भी हारपिक का कलर तो ब्लू ही होता है, लेकिन इस तरह से डालने से ये बहुत अच्छा इसका कलर भी लगने लगा है। और देखिए ये अब ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मैं इसको छान लूँगी। छाना इसलिए है कि इसको हम एक बोतल में डालेंगे तो जो नींबू के बीज है ना वो इसमें से निकल जाए, क्योंकि बोतल में वो फंस जाएंगे। तो देखिए मैंने जग में इसको छान लिया। छानने के बाद मैंने एक बोतल ली है और उसमें इस तरह से इसको भर दिया है। जो बोतल का जो ढक्कन है उसमें मैंने छोटे छोटे होल कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल हो आप उसको इसमें भर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कितना अच्छा सा एक मिक्सर तैयार हो गया। इससे आप बहुत कुछ क्लीन कर सकती हैं, ये क्लीनर का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी किचन की टाइल्स दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से साफ़ किया है। देखिए कितनी गंदी टाइल्स हो गई, काला काला चिपक गया। जो ऊपर है उस पर तो जो तेल का जो मैल होता है वो इतना जमा हो गया कि मैं इसे आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये टाइल्स पर थोड़ा सा ये लिक्विड डाला है। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद मैल अपने आप ही इसको डालते ही छूटने लगा। फिर मैंने एक पुराना कपड़ा लिया, एक सॉफ्ट सा, और उससे इसको साफ़ किया। तो देखिए इतने अच्छे से दीवार इसकी साफ़ हो गई, सारी टाइल्स एकदम चमकने लग गई। इसके बाद जो ऊपर इसका जो जिद्दी मैल है ना, चिकटा चिकटा सा, किचन में अक्सर हम चौक लगाते हैं तो टाइल्स में हमारा बहुत ही गंदा सा मैल जमा हो जाता है, एकदम चिकना चिकना, तो वो मैल भी मैं इसे साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। देखिए ये चिकना चिकना मैल जमा है, इस पर मैं ये मिक्सर डालूंगी, और इसको डालने के बाद देखिए मैं इस कपड़े से इसको साफ़ करूंगी तो जो मैल है ना एकदम गंदा सा ये पूरा साफ़ होने लगेगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपको साफ़ करके दिखाया, कितने अच्छे से एकदम साफ़ हो गया, और जो हमारी टाइल्स थी ना वो एकदम चमकने लगी है। तो इस तरह से आप अपनी सारी टाइल्स को इतने अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं, और ये हाथ में भी नहीं लगेगा, ये एकदम सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल भी हाथों में नहीं लगा ये मिक्सर। तो देखिए कितने अच्छे से, पहले की टाइल्स देखिए, दोबारा टाइल्स देखिए कितनी साफ़ हो गई है। तो इस तरह से आप
अपने घर की, किचन की, बाथरूम की, कहीं की भी टाइल्स को एकदम साफ़ कर सकते हो। देखिए ये जो मेरा फ्लोर है ये भी गंदा हो गया है, पैरों के निशान पड़ गए हैं, इसको भी हम साफ़ करके दिखाएंगे। तो मैं इस पर थोड़ा सा मिक्सचर डालूंगी और डालने के बाद देखिए मैं मोप से इसको साफ़ करूंगी तो जो हमारा फर्श है एकदम शीशे की तरह चमकने लगेगा। तो मैंने इस पर डाल के ये मोप से इसको पोछा लगाया तो देखिए मेरा जो फर्श है कितना ज़्यादा शाइनिंग करने लगा। तो इस तरह से आप इस क्लीनर को बना कर रख सकती है अपनी बोतल में और आप इससे फर्श टाइल कुछ भी साफ़ कर सकती है। तो देखिए कितना चमकीला फ़र्श हो गया, इतना अच्छा पोछा तो बिल्कुल नहीं लगता है कभी भी, लेकिन आप अगर इससे लगाएंगी तो आपका फ़र्श भी चमकेगा, आपकी घर की सारी टाइल्स भी एकदम शीशे की तरह चमक जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर आजमाइएगा और आप अपने क्लीनर को बनाकर रख सकती हैं 1 से 2 महीने तक, ये ख़राब भी नहीं होता है। चलिए हम अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। मेरी ये अगली टिप्स है, ये है हमारे नींबू के छिलके। भाई नींबू हमारे घर में रोज़ 2-3 इस्तेमाल ही होते हैं, उनके छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन आप छिलकों को मत फेंकिएगा, इन छिलकों से भी बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। देखिए ये मेरे पुराने नींबू जो सूख गए हैं पड़े पड़े, उन नींबुओं का भी मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। तो इनसे हम बहुत अच्छी सी खाद बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक खाली बॉक्स लिया है, उस बॉक्स में मैं सारे नींबूओं के छिलकों को डाल दूंगी। तो ये नींबू के छिलके और प्लस जो नींबू है पुराना सूखा हुआ उसमें भी थोड़ा सा रस है, उसको मैं फेंकूंगी नहीं, उसको भी मैं बॉक्स में डाल दूंगी। तो देखिए मैंने सारे छिलके और जो नींबू थे सूखे हुए वो इस बॉक्स में भर दिए और भरने के बाद मैंने पूरे बॉक्स में पानी भर दिया है। तो इस तरह से बॉक्स में देखिए मैंने पानी भरने के बाद इसमें भी मैं कुछ डालूंगी। और ये वाली जो खाद होती है ना, ये आप 1 महीने तक इसको रख सकते हैं और अपने पौधों में डालेंगी, ये बहुत अच्छी खाद बनती है। तो देखिए बॉक्स में मैंने नींबू डालकर पानी भी भर दिया। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मेरे घर में पुराना गुड़ हो गया था, बरसात का मौसम है, गुड़ में थोड़ा सा फफूंदी आ गई तो वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो वो गुड़ हम जो है खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच गुड़ डाला है और गुड़ डालने के बाद ये बहुत अच्छी सी खाद बनकर तैयार होगी। तो इस बॉक्स को मैंने कम से कम 20 से 25 दिन के लिए बंद करके रख देना है और उसके बाद आप अपने पौधों में इसका पानी डालेंगी तो आपके पौधों में जो कीड़े लग जाते हैं और जो पत्तियों में पीलापन आ जाता है वो पीलापन दूर हो जाएगा, आपके जो पौधे हैं एकदम हरे भरे हो जाएंगे। और ये खाद इतनी अच्छी है कि आपके पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो आप नींबूओं के छिलकों को कभी मत फेंकिएगा, आप अपने पुराने नींबू के छिलके और पुराने गुड़ से इस तरह की बहुत ही अच्छी सी खाद अपने पौधों के लिए बना सकती है। तो ये टिप्स बहुत ही बढ़िया, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फिर हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं, ये है हमारी चाबी। अक्सर क्या होता है जब हम चाबी में कीरिंग नहीं डालते, कभी कभी चाबी खो जाती है, कीरिंग घर में नहीं है, तो आप चाबी का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए ये हम लेंगे अपनी एक हेयर पिन, ये पिन जो है आप इस तरह से अपने चाबी के उसमें होल में डालिएगा और इस तरह से लगा दीजिएगा तो आपकी जो सिंगल चाबी है वो बिल्कुल खोएगी नहीं, और इस चिमटी को आप कहीं पे भी कील पे टांग दीजिएगा तो इस तरह से आपकी चाबी सिंगल नहीं होगी, क्योंकि छोटी सी चाबी होती है कहीं भी खो जाती है, मिलती नहीं है, ढूंढते रहो। तो इस तरह से आप चिमटी में लगा के चाबी को कहीं रख भी सकती हैं, टांग भी सकती हैं, आपकी चाबी कभी ख़राब नहीं होगी। ये बहुत अच्छी टिप्स है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। जब हमारे कभी कभी हाथ पैरों में दर्द होता है तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि हम बर्फ़ से सिकाई करें, लेकिन जब हम बर्फ़ से सिकाई करते हैं, बर्फ़ हमारी कभी इधर गिर जाती है या कपड़े में से फिसल जाती है, हमारे हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं कि हम बर्फ़ से सिकाई कर नहीं पाते। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊँगी जिससे आप अपने हाथ पैरों की सिकाई बर्फ़ से कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मैंने आइस क्यूब लिया और पुराने पर्स लिए हैं, अक्सर सबके घर में पर्स होता है, भाई हम सामान लाते हैं ज्वेलरी का तो पर्स होता है, तो पर्स में मैं थोड़ी सी आइस क्यूब डाल दूंगी और चैन से उसको बंद कर दूंगी और तो देखिए कितना अच्छा सा ये आइस क्यूब बैग तैयार हो गया। इससे आप खूब बढ़िया तरीके से अपने हाथ की पैर की सिकाई कर सकती हैं, या आपके दांतों में दर्द होता है डॉक्टर बर्फ़ से सिकाई बताता है, इस तरह से आप सिकाई कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है। देखिए बर्फ़ हमारे हाथों को ज़्यादा ठंडा भी नहीं कर रही है और ना ही बर्फ़ फिसल कर बाहर गिर रही है, ये इतना अच्छा टिप्स है, इसको आप आराम से कर सकती हैं और बर्फ़ पिघल के बाहर भी नहीं गिरेगी, आपके हाथ पैर गीले भी नहीं होंगे और देखिए कितने अच्छे तरीके से बर्फ़ की सिकाई भी हो रही है। बहुत अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। फिर हम अपने अगले टिप्स की तरफ चलते हैं, ये है लाल मिर्च। अक्सर हम किचन में काम करते हैं, हमारे हाथों में लाल मिर्च लग जाती है और इतनी जलन होती है कि समझ ही नहीं आता क्या करें, साबुन से भी हाथ धोते रहते हैं उसके बाद भी हाथों में जलन होती है। तो मैं ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके हाथ में
मिर्च की जलन बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कितना भी मिर्च का काम कर लें, तो इसके लिए मैंने फ्रिज से बिल्कुल ठंडा दूध लिया है। नॉर्मल दूध नहीं लेना, एकदम ठंडा दूध लेना है। और ठंडे दूध से देखिए इस तरह से हाथ को धुल लेना है, और धुलने के बाद हाथ को पानी से हम धुल लेंगे। पहले दूध से थोड़ा सा धुल लिया, उसके बाद पानी से धुलेंगे, और धुलने के बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी हम एक क्रीम की तरह हाथ में लगा लेंगे, तो इस तरह से जो आपकी हाथों की जलन है वो दूर हो जाएगी और बिल्कुल भी जलन आपके हाथों में नहीं रहेगी। तो अब कभी भी आप मिर्च का काम करें तो यही वाला टिप्स अपनाइए, आपके हाथों में जलन बिल्कुल भी नहीं रहेगी और एकदम आपके हाथों में ठंडक भी बनी रहेगी। तो ये टिप्स बहुत ही काम का है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। और मेरे ये टिप्स आप अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका बहुत सारा समय बचा, साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बचा है। तो आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय।